ये इस देश में खारिज होना चाहिए ये तरीका कि भाई आप अगर आंदोलन में शामिल हैं तो आप देश में किसी से मिल ही नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? नहीं, हम दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं, हम तो पहले से बात कहते आ रहे हैं। 122 लोग जो शहीद हुए हैं ये अध्यादेश को इनको वापस कराने के लिए खड़े हुए हैं। 5 जून को जब ये कानून पास हुए थे, 5 जून से 26 नवंबर जब देश इसमें दिल्ली में किसान आकर के बैठ गए, इसके बीच में आपने एक बैठक की है केवल एक, जबकि 2 महीने से वो ट्रैकों पे बैठे रहे और उसके बाद आपने 10-11 मीटिंग कर ली। देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन ही है। पिछले लगभग 2 महीने से ये आंदोलन जारी है। किसान और सरकार के बीच मीटिंग भी होती रही है जिसके नतीजे कुछ खास नहीं आए। इस आंदोलन को लेकर मीडिया पर डिबेट्स भी काफी देखने को मिली। आज हम मीडिया की उन डिबेट्स का जिक्र करेंगे जिसमें किसान यूनियन के अध्यक्ष ने गोदी मीडिया और सरकार के सवालों का करारा जवाब दिया। पहले बात करते हैं एबीपी न्यूज पर किसान आंदोलन को लेकर हुई एक डिबेट की। इस डिबेट में किसान यूनियन के अध्यक्ष और कुछ नेता भी मौजूद थे। डिबेट में एंकर रूबिका ने पुष्पेंद्र चौधरी से सरकार और किसानों के बीच हुई मीटिंग पर सवाल किए, जिस पर पुष्पेंद्र चौधरी ने एंकर के सवालों का करारा जवाब दिया। पुष्पेंद्र जी, उन लोगों का क्या जो अपने हाथों में आंदोलन को ले चुके हैं? मैडम, हमारा नहीं, देखिए ऐसा है कि ऑफिशियल एक समिति बनी हुई है, वो जिससे मिलती है वो ऑफिशियल मीटिंग्स है। उसके अलावा कोई व्यक्तिगत रूप से किसी से यदि मिल भी रहा है तो उसका कोई प्रभाव ना तो मांग पे पड़ रहा है आंदोलन की, ना ही आंदोलन की किसी और कार्यनीति पे पड़ रहा है। ये इस देश में खारिज होना चाहिए ये तरीका कि भाई आप अगर आंदोलन में शामिल हैं तो आप देश में किसी से मिल ही नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते जी? मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, पर मैं आकर उस आंदोलन का हिस्सा बन सकती हूँ? ये लोकतंत्र है, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर देखा जाएगा उस मंशा को, उस एजेंडा को। देखिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस प्रकार की आंदोलन को कमजोर करने की इस तरह की बार बार जो है आरोप लगाए जाते हैं, सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं, साजिश की जाती है, इनको हम सारे खारिज करते हैं। 40 के 40 संगठन जो वहाँ वार्ता में मौजूद है, एकजुट होकर इस आंदोलन को लड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी ही डिबेट रिपब्लिक भारत पर भी देखने को मिली। इस डिबेट में अर्नब गोस्वामी ने किसान नेता राकेश टिकैत से किसान आंदोलन में फॉरेन फंडिंग को लेकर सवाल किए, पर जब वे जवाब देने लगे तो अर्नब ने उन्हें बीच में टोकना शुरू कर दिया। इस पर राकेश टिकैत ने अर्नब को खूब खरी सुनाई। पूछता है भारत, बताइए राकेश टिकैत जी, देखिए नरेंद्र मोदी से मैं बता रहा हूँ सीधी लड़ाई में मुंह के खाते हैं ये लोग, नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई में मुंह के खाते हैं ये लोग, तो नहीं मुझे बताइए किसान नेता, कनाडा का नेता इधर कैसे आया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ सुन तो बताइए मुझे वह है। हाँ जी, अच्छा सुनो राकेश जी, बताऊंगा तो बीमारी है, मैं बोल लो पहले, अब सुन लो बात। देखो देश के प्रधानमंत्री को बीमारी किसको, मैं बीमारी नहीं टिकैत जी, आदत नहीं एक जरा सुन तो एक, एक अरे बीमारी है, आदत थोड़ा होता है, अब बीमारी एक मिनट सुन चुको। ये कनाडा का मंत्री क्या कर रहा था इधर बताइए मुझे, अच्छा बात सुनो, कनाडा का मंत्री कैसे घुस गया? अरे बात तो सुनो, अभी तो बताऊंगा, सुन रहा। हाँ जी भाई, सवाल मेरे से पूछ जाए तो मैं ही तो बताऊंगा, रुक तो जा। न्यूज 18 पर भी किसान और सरकार के बीच हुई मीटिंग पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रमेश ने किसान नेता चौधरी हरपाल सिंह से मीटिंग में कोई सहमति ना होने को लेकर सवाल किए। जब वे जवाब दे रहे थे तो अमीश ने उन्हें बीच में टोका और सवाल किए, जिस पर उनको करारा जवाब मिला। आगे जब तक सहमति नहीं बनेगी, कानून लागू नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में बकायदा शपथ पत्र देने को तैयार है भारत की सरकार, अब इससे ज्यादा क्या? क्या आपको लगता नहीं है कि जिद की भी एक हद होती है? नहीं, जिद हमारी नहीं है, जिस सरकार की है ना, हम कह रहे हैं आप 1 साल के 1.5 साल के लिए, ये तो वाली बात हो जाती है, हमारे गर्दन के ऊपर तलवार लटका दो और कोई 1 साल लटकी रहेगी, उसके बाद हम देखेंगे कि बाद में क्या होना है, कमेटियों का रेट हमको मालूम है भारत में कैसा होता है, कितने कितनी बार कमेटी रिपोर्ट आती है, तो ये कोई बात नहीं है, जिद हमारी नहीं है, कैसे लटकी हुई है? किसी भी संवाद में विकल्प की बात होती है, सरकार की तरफ से 4 विकल्प आए, आपकी तरफ से एक ही विकल्प है कि कानून को रद्द कर दीजिए। हम दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं, हम तो पहले से बात कहते आ रहे हैं, 122 लोग जो शहीद हुए हैं ये अध्यादेश को इनको वापस कराने के लिए खड़े हुए हैं, जो हमारे 170 लोग मरे हैं ये इस बात के लिए आए थे, ये रिफिल हो, इनकी शहादत हो चुकी है, 150 लोगों की होने जा रही है, हमारी रोज मर रहे हैं, इसलिए नहीं मर रहे कि होल्ड कराने के लिए आए थे हम दिल्ली में। जी न्यूज पर भी किसान आंदोलन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने सवाल किसान नेता से किए, जिस पर वे जवाब भी दे रहे थे, पर बीच में भाजपा नेता बोलने लगे, जिस पर किसान नेता ने उन्हें करारा जवाब दिया। या तो कानून वापस ले लीजिए या फिर आंदोलन चलता रहेगा, तो इसमें चर्चा की गुंजाइश कहां बची?
ये तो किसान भाई, हमने बहुत कहा था स्पष्ट, ये किसान हमने बहुत स्पष्ट जफर भाई आपके बीच में हम बोले क्या ताकत है उसके उसकी जफर भाई आपके बीच में हमने बोले शांति से सुनिए चलिए ठीक है ठीक है जफर भाई जी शांति से सुनिए सेकंड में जवाब दीजिए फिर जफर इस्लाम के पास पूछा है बोलिए पुष्पेंद्र जी बोलिए मैं ये कह रहा हूँ की ये चाहते तो एमएसपी वाली बात को बाध्यकारी कर देते उसको सेपरेट एक कानून बनाया जा सकता था अध्यादेश जैसे जल्दबाजी में लाए थे अब ले आते दूसरा इसको रिपील कर देते क्या तकलीफ थी मैं तो पहले जवाब दे रहा हूँ कि देखिए आपकी डिमांड ही गलत है कोई भी चीज चर्चा करने के लिए हाँ और ना में जवाब नहीं होता है ये आप चर्चा करना नहीं चाहते हैं मैं बता देता हूँ जफर भाई सुन लीजिए अब सुन लिया मैंने बात आपकी 5 जून को जब ये कानून पास हुए थे 5 जून से 26 नवंबर जब देश इसमें दिल्ली में किसान आकर के बैठ गए इसके बीच में आपने एक बैठक की है केवल एक जबकि 2 महीने से वो ट्रैकों पे बैठे रहे और उसके बाद आपने 10-11 मीटिंग कर ली मीडिया के डिबेट्स में किसान नेताओं से सवाल ज्यादा किए जाते हैं और जवाब देने का समय कम ही दिया जाता है हम उम्मीद करते हैं कि एंकर्स निष्पक्ष होकर डिबेट का संचालन करना शुरू करें ताकि सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिले पंजाब टुडे रिपोर्ट इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन